अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मज़ीद मिलती रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा। तो टॉपिक है हमारा कि 5404 अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है उसमें कौन से एसेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं जो पेपर में आते हैं। पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। कंपलसरी इंग्लिश 1 है, ठीक है। पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से एसेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है माय फेवरेट टीचर। ये वैसे भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं 10th 12th क्लास के लिए भी, और अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की 5404 कोर्स कोड की बुक जो है उसमें भी ये आ चुका है ऐसे। तो अगर आप एसेज में कोटेशंस ऐड करेंगे तो उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो और अच्छे से हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप उसको अच्छे तरीके से करें और उसमें कोटेशंस ऐड करें। सेकेंड नंबर पे है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक बार आ चुका है पेपर में। थर्ड नंबर पे है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, ये भी एक बार पेपर में आ चुका है। बुक रीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, इस पर कोटेशंस भी आप ऐड कर सकते हैं। माई रिसेंट ट्रिप टू फैसल मॉस्क और इसके साथ विजिट टू हिल स्टेशंस और जितने भी विजिट और ट्रिप्स हैं ये उसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ नंबर के डिस्कस के लिए, फाइव नंबर पे है पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म के काजेज़ क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये पूछे गए थे ऐसे में, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा था कि राइट काजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ पेट्रियोटिज्म, ठीक है। तो ये इसके आपने काजेज़ और इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से कर लेने हैं। सिक्स नंबर पे है डेंगी फीवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में डेंगी फीवर क्या है, क्यों है, कैसे है, तो इसके भी काजेज़ और इफ़ेक्ट्स ही उन्होंने ऐसे में पूछे थे। और ऐसे आपका होता है 250 से 300 वर्ड्स तक आपने लिखना होता है, तो इतना आप कर सकते हैं, 2.5-3 पेजेस का आई थिंक सो के बन जाता होगा। सेवन्थ नंबर पे है इस्लाम एंड मॉडर्न साइंस, साइंस पे वैसे भी आ सकता है और इंटरनेट पे भी आ सकता है ये तो बस, लेकिन ये जो है एसेज ये मैं अकॉर्डिंग टू योर पास्ट पेपर्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। नंबर 8 पे है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे भी आपको ऐसे आ चुका है। नंबर 9 है इन्फ्लेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे है ये, आपने इसको बहुत अच्छे से करना है तैयार और इसके अंदर कोटेशंस भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। नंबर 10 पे है माय फर्स्ट डे एट स्कूल या माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, माय लास्ट डे एट कॉलेज, इनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन पेपर में जो पास्ट पेपर में हमने देखा है उसमें माय फर्स्ट डे एट स्कूल आ चुका है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। 10 एसेज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बता दिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द यूट्यूब के चैनल पे मैं एसेज भी अपलोड करने वाली हूँ, तो ट्यून रहिएगा हमारे साथ। और एक ऐसे जो है कर्टसी, ठीक है, कर्टसी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आ सकता है, तो उसको भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।